नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस के पैटर्न देख चुके हैं। हम लोग क्या होता है, क्या इसके लिए ज़रूरी रहता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, इसके बारे में जो सामान्य जानकारी होती है यूपीएससी के बारे में, वो हम सब लोग देख चुके थे। अब इसमें बात करेंगे हम लोग सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है यूपीएससी का, आईएएस का, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर कोई भी आपका डाउट है तो उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ठीक है, पहले वाले को। तो उसमें जो भी सामान्य जानकारी थी, कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम रहता है, किस पेपर के नंबर जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में, किसके नहीं जुड़ते हैं, सब कुछ देख चुके थे हम लोग। ठीक है, उसमें इस बात करेंगे इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में। याद रखिए, तो जो भी हम लोग लेक्चर देखते जा रहे हैं आईएएस से संबंधित, वो आईएएस प्ले लिस्ट की सूची में बन डले हुए हैं। ठीक है, याद रखिए, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा से बड़ा, तो उसके हमारे पास सबसे पहले, तैयारी से पहले उसका सिलेबस हमें देख लेना चाहिए, उसका पैटर्न देख लेना चाहिए, और उससे संबंधित जो पुराने पेपर हैं उन्हें भी हमें सॉल्व कर लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले पैटर्न बात कर चुके हैं, अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 2010-11 से लेकर 2019 तक के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, आईएएस के सभी। चलिए, तो हम सिलेबस देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का। वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, आपको वहाँ भी बता चुके हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, ठीक है, जबकि दूसरा पेपर सिविल सेवा अभिव्यक्ति, या जिसे सीसेट भी बोलते हैं, सीसेट का होता है। यह क्वालिफाइंग होता है, जो पेपर सेकंड है ये क्वालिफाइंग होता है सीसेट, ठीक है, और जो पेपर फर्स्ट है ये सामान्य अध्ययन का, इसके आधार पर हमारी मेरिट लिस्ट बनती है और हम लोग मेंस में पहुंच जा पाते हैं। ठीक है, इसमें केवल सीसेट में पास होना पड़ता है। ठीक, दोनों प्रश्न पत्र 200 नंबर के होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में 200 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। याद रखिए, पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का जो प्रारंभिक परीक्षा में होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, जबकि सी सेट है जो दूसरा पेपर, इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है। ठीक, दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। सी सेट में निर्णय क्षमता से संबद्ध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सी सेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसमें केवल पास होना पड़ता है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सी सेट पेपर में सिर्फ 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। ठीक है, सी सेट में प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड पेपर है सी सेट, इसमें 33% अंक जरूरी रहते हैं, अगर वह इसमें कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। अब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर होता है, ठीक है, याद रखना, इसमें सिर्फ पास होना चाहिए सी सेट में, और जो सामान्य अध्ययन का पेपर है फर्स्ट, इसके आधार पर कट ऑफ बनता है। ठीक, बात कर लेते हैं हम लोग पेपर प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र फर्स्ट है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन से इसका पाठ्यक्रम बात करते हैं। तो इसमें पूछा जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, सामरिक घटनाएं, फिर आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, याद रखना है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछी जाती हैं, फिर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल रहता है, इससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं हमारे। फिर है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे इत्यादि से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं।
फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दों से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। फिर है सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर है प्रश्न पथ है हमारा सेकंड, जैसे सी सेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो पत्र सेकंड होता है, एक ही दिन में होते हैं दोनों पेपर, याद रखिए, दो दो घंटे का समय मिलता है। सी सेट से इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंसिव, फिर संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तिक कौशल, ठीक है, फिर तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, फिर निर्णय लेना और समस्या का समाधान, फिर सामान्य मानसिक योग्यता, फिर आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम, और 10वीं कक्षा का स्तर रहता है इसका, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर रहता है। ठीक, याद रखना जो प्रारंभिक परीक्षा है वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप की है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए चार संभावित विकल्प होते हैं ए बी सी डी की तरह, जिनमें से एक विकल्प चुनना पड़ता है हमें सही। याद रखिए, अगर कुछ भी सामान्य जानकारी में आपको डाउट लगता है, ठीक, तो उसे पुराने लेक्चर को जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात की थी, यूपीएससी आईएएस का पैटर्न, उसे देख लें, सामान्य जानकारी उससे मिल जाएगी, और ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। अब आगे से बात करेंगे हम लोग इसके जो पुराने पेपर हैं 2010-11 से, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के बाद मेंस का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, याद रखिए।